Hey guys, this is technical Baba Ji, gun Baba Ji, or Kyani Baba Ji. Guys, chale shuru karte hain. Okay, that was bad, but guys, welcome to another video of Airsoft Gun India. And today we have this gun. This is a revolver lighter. It comes with a warning. It is not a toy. Keep out of reach of your children. Bachcho se iska door rakhiye, kyunki wo jal sakte hain. So here is the gun. We have this lighter. This is Python 357 Magnum. And it comes with this stand, just in case, you know, if you want to put it in your office, on your table. So if you want, you can keep it right like this. And very few people will do this, but you know, just in case if you want to do it, aap isko yun laga sakte apne, you know, office table pe, this will look very cool. This looks pretty much solid. हमारे पास पहले एक गन था, इट वेज 235 ग्राम, 235 ग्राम का है. हमारे पास इससे पहले एक पाइथन 357 था, दैट वाज अ वेरी लार्ज साइज, दैट वाज मोस्टली प्लास्टिक. एंड दिस इज गन, इट फील्स, ये भी यू नो, लेट मी टेल यू अबाउट द लाइटर गाइस. लाइटर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेटल के नहीं बनाया था, इसमें स्पेसिफिकली कि थोड़ा लाइट मेटल का, अगर उसको सॉलिड मेटल से बनाएंगे इट विल कम इनटू रेप्लिकास एंड अदर थिंग्स, उसके लिए अलग परमिशन लगता है बनाने का. सो इसलिए इसे थोड़ा हल्के मेटल से ही बनाया जाता है. दिस इज मेड अप ऑफ लाइक चदरा टाइप का मेटल होता है ना गाइस, उससे बना हुआ है. यू कैन हियर इट इफ यू कैन. तो ये जो है हमारा पुराना वो था, वो मोस्टली प्लास्टिक था, यू नो, और सब कुछ उसका ज़्यादातर प्लास्टिक था. इसका जो है ये वाला प्लास्टिक है, ये जो है चदरे टाइप का मेटल का है. ये फिर साइड जो है बहुत कूल दिखने के लिए है, ये भी यू नो प्लास्टिक है, बट ये जो पार्ट है ये चदरे टाइप का मेटल का है. तो दिस लुक्स गुड. ये कॉम्पैक्ट नहीं है, हमारे पास एक कॉम्पैक्ट भी है जो सस्ता है थोड़ा, तो वो अभी आप ले सकते हैं. दिस वन इज़ यू नो नाइस. अच्छी बात ये है कि इसका ये रिवॉल्व करता है गाइस, एज यू कैन सी दिस रिवॉल्व्स. तो ये अगर आप शूट कर रहे हैं तो शूट के लिए काफ़ी अच्छा है. एंड वॉच, तो ये अगर आप उसको फायर भी करते हो तो ये भी घूमता है, रिवॉल्व्स लाइक दिस एज वेल. अच्छी बात एक और इसके अंदर है कि ये वाला पार्ट गाइस, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट ऑन कैमरा, जब आप इसको सामने से देखते हैं ऐसा लगता है इसके अंदर बुलेट्स लोड की गई हैं. तो फिल्म शॉर्ट मूवीज़ के लिए बहुत अच्छा है, इट विल गिव अ वेरी नाइस यू नो इम्पैक्ट. जो शॉर्ट मूवीज लोग बनाते हैं वो असली गन खरीद सकते हैं. ब्लैंक गन तो अब यू नो रही ही नहीं बस की बात, क्योंकि उसके लिए तो लाइसेंसेस वगैरह लगते हैं, तो शॉर्ट मूवीज़ के लिए बेटर है. पीछे से भी देखेंगे थोड़ा क्लोज लुक से, तो यहाँ भी एक फेक बुलेट का एक इंप्रेशन पड़ता है. तो दिस इज़ गुड गाइस. इफ़ यू वांट टू बाय दिस गन तो आप हमारे वेबसाइट पे चले जाइए, दैट इज़ airsoftgunindia.com. ये लाइटर है और बट हम गैस फिल करके नहीं देते हैं, आप चाहें तो गैस फिल कर सकते हैं, बट आई डोंट नो आप लाइटर की तरह क्यों इस्तेमाल करेंगे. सो इफ़ यू वांट टू बाय दिस गन. हाँ, ये लोग पूछेंगे कि ये बाहर निकलता है कि नहीं, दैट इज़ अ ड्रॉबैक कि ये बैक ये बाहर नहीं निकलता है, बट अदर देन दैट दिस इज़ नाइस गन. इसको आप वैसे भी क्यों निकालना, शूट वगैरह के लिए तो चाहिए, आपको गाने वाने के लिए चाहिए होता, फोटो शूट के लिए चाहिए, तो दिस इज़ गुड. बाय करने के लिए गाइस हमारे वेबसाइट पे जाइए, दैट इज़ airsoftgunindia.com. आप हमारे यू नो फेसबुक पेज पे हम फॉलो कर सकते हैं, facebook.com/airsoftgunindia. इंस्टाग्राम पे भी है airsoftgunindia गाइस. थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट कर लें. और गाइस बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये लोहे का है क्या सॉलिड, तो ये उस आप इस नज़रिए से कभी मत खरीदिएगा कि ये लोहे का होगा. लोहे का नहीं होता है गाइस, ये हल्के मेटल का होता है. लोहे का होता तो ये रेप्लिका में जाता. इसके ऊपर पाइथन 357 में लिखा हुआ है, अगर जिसको पाइथन 357 मॉडल चाहिए तो 357 मैग्नम लिखा हुआ है. तो ये सॉलिड लोहे का नहीं है, बट यस इट इज़ फेयरली अ नाइस डिसेंट सस्ता एंड टिकाऊ रिवॉल्वर. जिसको चाहिए वो आप इसे बाय कर सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइज़.